तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे फिर से एक नए व्लॉग में। तो अभी मैं यहाँ महिपालपुर में हूँ, एरो सिटी के पास। और मैं आपको महिपालपुर के बारे में बताऊँ तो महिपालपुर जो है अपने होटल, रेस्टोरेंट और इन चीज़ों के लिए बहुत फेमस है, होटल लाइफस्टाइल के लिए। तो अभी मैं और चंदन भाई फिर से आ गए हैं, चंदन भाई हमारे ब्लॉग में फिर से देखे। और हेलो, तो अभी घूम रहे हैं मैं चंदन भाई और यहाँ पर हाईवे के पास है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, और यहाँ जो महिपालपुर है, मिनी थाईलैंड में घुमाते हैं अभी आपको। और महिपालपुर जो है ये अपने होटल लाइफस्टाइल के लिए काफ़ी फेमस है, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, रेस्टोरेंट, होटल, एरो सिटी वगैरह सब दिखाऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको हर एक चीज़ से रूबरू कराता हूँ। और यहाँ पर एक 24/7 है, हाईवे कुछ ऐसा है दोस्तों। तो अभी जस्ट घूम रहे हैं दोस्तों, अभी डिसाइड नहीं किया है कि कहाँ जा रहे हैं, पर जहाँ भी जाएंगे आप लोगों को हर चीज़ से रूबरू कराएंगे और दिखाऊंगा आप सबको कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या देख रहे हैं। तो अभी चलते हैं, बस अभी रोड के किनारे बस घूम रहे हैं मैं चंदन। तो अभी चलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जहाँ तक देखोगे आप, आपको होटल्स ही होटल्स मिलेंगे। तो ये होटल्स देखिए और टूरिस्ट देखिए यहाँ पर। तो अभी रोड के अपोजिट साइड आ चुके हैं और यहाँ से अच्छी तरह से दिखाता हूँ मैं आपको सारे होटल। तो ठीक है दोस्तों, और देखना आप कैसे लगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों को होटल्स कैसे लगे। तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको। तो अभी ये देखिए, हम दोनों रोड साइड के किनारे बीच में हैं और होटल्स कुछ ऐसे हैं। भाई मिनी थाईलैंड है, गाड़ी कैसे चलाएगा। बाहर भी है यहाँ पे दोस्तों, मैं एक एक होटल का नाम तो नहीं लूंगा, बस ऐसी आप वीडियो में देख लो जैसा आपको दिखे। सस्ते सस्ते होटल मिलते हैं, सस्ते महंगे दोनों ही हैं। महंगे फिर उधर एयरपोर्ट साइड को मिलेंगे ना। और चंदन भाई देखिए, धूप में पसीना पसीना हो गए। देखो ए ब्लॉक महिपालपुर, ये देखिए महिपालपुर ए ब्लॉक के पास है अभी हम। और ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं होटल ख़त्म ही नहीं हो रहे। तो दोस्तों ये देखिए एयरपोर्ट, यहाँ से लेफ्ट को है इधर को, तो अभी वहीं को जाएंगे। और चंदन भाई आगे आगे अपनी मस्तानी चाल में। और ये देखिए, इसे क्रॉस करके सीधे टर्मिनल के नीचे और रोड क्रॉस करेंगे। और एयरपोर्ट का बस स्टैंड है महिपालपुर का। तो दोस्तों अभी हम मेन एरो सिटी के जो होटल्स हैं बड़े बड़े 5 स्टार, तो उनके सामने आ चुके हैं और अभी जा रहे हैं। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ के एरो सिटी के 5 स्टार होटल। और जो होटल्स मैंने आपको दिखाए वो बस जस्ट एक लोकल होटल्स थे। तो अभी 5 स्टार होटल्स और अच्छे क्लासिक होटल दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, तो देखिएगा। चंदन भाई आपको बता रहे हैं, देखिए बाकी यहाँ की बाहर की रोड की खूबसूरती देख लो दोस्तों आप, 5 स्टार होटल्स की। और जो ये बिल्डिंग्स दिख रहे हैं ये सब 5 स्टार होटल्स हैं।
और अच्छे अच्छे हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप खुद ही देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो बाकी चलते हैं और व्यू देखिए, काफ़ी अच्छा आ रहा है। और पिछले दिखला चंदन भाई रुको, थोड़ा व्यू ऐसे दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, रोड का ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि फाइव स्टार एरिया की ओर को जा रहे हैं हम। और बाकी होटल्स वो जो है वो पूरा सामने होटल्स जो हैं वो फाइव स्टार होटल्स हैं, जैसे कि इसमें अच्छे अच्छे नामी होटल्स मिलेंगे आप लोगों को। और एक वर्ल्ड मार्क का वो देखिए ट्रेड दिख रहा है वर्ल्ड मार्क का, तो वो सब मिलेंगे। तो दोस्तों देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है मेरे पीछे। और एक गार्डन टाइप का देख सकते हैं, इसको कटिंग वटिंग कर रखी है। तो अभी जो यहाँ पर फाइव स्टार होटल है, लग्जरी होटल्स हैं, तो जस्ट मैं उनके सामने हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ सारा, ठीक है, कितना प्यारा व्यू आ रहा है और वो सब दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो जस्ट देख सकते हैं आप लोग, अभी ये फर्स्ट होटल है और बाकी सामने को सारे होटल्स आ रहे हैं। तो देखिए ये देखिए ये पार्किंग, और ये चंदन भाई हमारे, सब में। और ये देखिए अंदर को, ये अंदर को एक पूरे होटल्स की सोसाइटी है, और इधर मॉल्स भी हैं बड़े बड़े। चंदन भाई को धूप लग गई, तो काफ़ी बड़े बड़े मॉल्स भी हैं और पूरे फाइव स्टार होटल्स हैं। देखिए अंदर को आप, बाकी ये जितने भी हैं सारे होटल्स ही होटल्स हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको होटल लाइफस्टाइल, और काफ़ी मज़ा आया होगा देख के, क्योंकि मुझे खुद एक काफ़ी मज़ा आया देख के। तो ऐसी थी जो इधर के फाइव स्टार होटल्स हैं, सारे यही हैं मेरे पीछे से, ये देखिए। और जो उधर रोड साइड दिखाए थे वो बस लोकल थे, थ्री स्टार और टू स्टार। और ये ठंडी ठंडी वादियों के साथ आज सुबह बारिश हो रही है, तो काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, पीछे पेड़ हिल रहे हैं, देखो आइडिया लगा सकते हो आप लोग। तो काफ़ी मज़ा आया, और बहुत पीछे को बहुत है दोस्तों, वहाँ पीछे लास्ट एक पुलमैन है, वहाँ तक है होटल, और इधर को हयात भी है, बहुत सारे हैं। तो अभी काफ़ी थक गए हैं मैं और चंदन भाई, तो अभी वापस जा रहे हैं। और कुछ रास्ते में दिखिए अच्छा था तो आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं, और ये देखिए अंदर को, यहाँ को मॉल्स उग रहे हैं। तो उधर को जहाँ मैंने बताया था, वो देखो वो वर्ल्ड मार्क का वो है, देखो मॉल है वो। तो यहाँ पर गाड़ी पार्किंग का है, और ये पेड़ देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पेड़ों की एक एक बारीकी से कटिंग करी है, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो अभी दिखाते हैं कुछ और, कुछ अच्छा सा दिखे तो आप लोग। तो दोस्तों अभी वर्ल्ड मार्क जो फर्स्ट नंबर का वर्ल्ड मार्क है, इसके आगे से बैठे हैं बस, और चंदन भाई रहिए रहे, तो अभी थक गए काफ़ी, आराम कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं आगे को, और व्यू कुछ ऐसा है दिखा दूँ आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों अभी घूमते घूमते यहाँ एक पार्क में आ चुके हैं, और काफ़ी मज़ा आया यहाँ एल सिटी घूम के। तो आप लोग भी बताना मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कैसा लगा, और कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। तो यही सब था, और आज का ब्लॉग एंड करते हैं, और जल्द मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तो गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।